नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। आजम खान से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि आजम खान को सीतापुर जेल से रामपुर ले जाया गया था, जहां पर कोर्ट से उन्हें एक मामले में राहत मिल गई है, जबकि एक मामले में आजम परिवार की मुश्किलें बरकरार हैं। जी हां, आजम को लेकर समाजवादी पार्टी हो या फिर सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी, हर एक की नजर लगी हुई थी। अक्टूबर के बाद पहली बार सीतापुर जेल से आजम खान और हरदोई जेल से उनके बेटे अब्दुल्ला, और उधर रामपुर जेल में बंद उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर एक मामले में राहत मिली है तो दूसरे मामले में आजम खान की मुश्किलें बरकरार हैं। जी हां, आजम खान को लेकर जब रामपुर उनकी गाड़ी पहुंचती है और उनके अन्य परिवार के सदस्य कोर्ट में दाखिल होते हैं, तो उससे पहले पुलिस ने चारों ओर किस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम किया था, ये जरा हम बताएंगे आपको। और इसके लिए हम सीधे आपको लेकर चलते हैं रामपुर के पुलिस अधीक्षक, जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। इसमें देखिए, हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था कर रखी है, जनपद के बॉर्डर्स पर, सिटी के बॉर्डर्स पर और यहाँ कोर्ट के परिसर के बाहर और अंदर सभी जगह पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है, ताकि कहीं भी कोई असामाजिक तत्व कोई ऐसी हरकत न करने पाए और सभी सुचारू रूप से संचालित होगा। तो ऐसा कोई विशेष माहौल नहीं है, सब जगह शांति है, कहीं कोई और उम्मीद भी है कि शांति रहेगी। जैसा मैंने आपसे कहा, शांति बनी हुई है, हमारे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि कोई ऐसा करेगा, तो कानूनी प्रक्रिया है और सभी जानते हैं इस बारे में, और जो भी कोर्ट का निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा, ऐसा कोई अंदेशा हमें नहीं है। आपने सुना रामपुर के पुलिस अधीक्षक को। अब हम आपको बताते हैं कि आजम एंड परिवार को किस मामले में राहत मिली है और किस मामले में उनकी मुश्किलें बरकरार हैं। तो सबसे पहले दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम परिवार की मुश्किलें फिलहाल बरकरार हैं, और आपको ये भी बता दें कि दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में पूर्व पारित दंडादेश को सेशन कोर्ट ने बहाल रखा है। तो सेशन कोर्ट से जो आदेश हुआ था अक्टूबर माह में, उसे बरकरार रखा है आज MP MLA की विशेष कोर्ट ने, और अब आजम के लिए एक ही रास्ता बचता है, वो है हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना। फिलहाल आगे क्या होता है ये तो कोर्ट जाने, लेकिन आपको बता दें सज़ा के खिलाफ आजम खान की अपील को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सेशन कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आजम खान परिवार के लिए मुश्किलें बरकरार हैं। MP MLA कोर्ट के सजा के फैसले के विरुद्ध सेशन कोर्ट में आजम खान के अधिवक्ताओं ने अपील की थी। अब सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मोहर लगा दी है। जारी रहेगी आजम परिवार की मुश्किलें। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनका बेटा अब्दुल्ला, सारे लोग आरोपी हैं। आजम खान सीतापुर जेल में, अब्दुल्ला आजम हरदोई और तंजीन फातिमा रामपुर जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर को रामपुर की कोर्ट ने सजा सुनाई थी, आज उसकी अपील पर सुनवाई होनी थी, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दूसरी तरफ एक अन्य मामले में आजम खान को बड़ी राहत मिली है, दोष मुक्त करार दिए गए हैं। आजम पर पड़ोसियों द्वारा जानलेवा हमला बोलने और रंगदारी मांगने का आरोप था, उस मामले में वांटेड थे और आजम खान को उसमें बरी कर दिया गया है। इसको लेकर सरकारी अधिवक्ताओं ने क्या कुछ जानकारी दी, आप जरा सुन लीजिए। आज माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट रामपुर के न्यायालय में जो है, जो विशेष न्याय मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट के द्वारा अब्दुल्ला आजम खान श्रीमती तंजीम फातिमा को 18 अक्टूबर को
सात वर्ष की सजा सुनाई गई थी उसके विरुद्ध तीनों अभियुक्तगण द्वारा अपील दायर की गई थी। उस अपील का आज निर्णय आना था और माननीय न्यायालय ने, अरे मोबाइल आ रहा है किसका है, अधीनस्थ न्यायालय का दोष मुक्ति का पूरा फ्रेम खराब आदेश था, निर्णय था 18 अक्टूबर का, उसकी पुष्टि की है। माननीय अपीली न्यायालय ने कहा है कि अवर न्यायालय का जो निर्णय है 18/10/2023 का, जिसमें सात वर्ष की सजा दी गई है, उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है, वह संपुष्टि करने योग्य है और तीनों अभियुक्तों का जो है अपील खारिज किया गया। पड़ोसी वाला मामले में जो है वो मामला सेशन ट्रायल मामला था, वो भी जजमेंट आज नियत थी, वह मामला माननीय न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है। बुधवार उस निर्णय का परिशीलन हुआ अभी उस वाले मामले में जो सेशन ट्रायल मामला था, जिसमें पड़ोसी ने मुकदमा लिखाया था मारपीट का और रंगदारी मांगने का, उस मुकदमे में दोषमुक्त किया गया है चारों लोगों का। जो नीचे से सजा हुई थी सात वर्ष, डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला था, उसमें पुष्टि किया गया है उनकी अपील खारिज हुई है, जो सजा बरकरार रहा। उसमें शरीफ खां हैं, बिलाल अहमद हैं, मोहम्मद आजम खां हैं यार, और अब्दुल्ला आजम खां हैं, जिसको कि मोहम्मद अहमद ने वर्ष 2019 में प्लाट को के संबंध में मुकदमा वगैरह दर्ज कराया था, वो सत्र न्यायालय में चला था, वही संपूर्ण परीक्षण सत्र न्यायालय में हुआ है। तो आपने सुना आजम खां को लेकर आज कोर्ट में यानी रामपुर की अदालतों में क्या कुछ हुआ, सरकारी अधिवक्ताओं ने पूरी बात बताई। अब इसके बाद आपको बता दें कि आजम खां को फिर से सीतापुर जेल लाया जा रहा है और रात करीब 8 बजे के करीब आजम खान को सीतापुर जेल पहुंचा दिया जाएगा। आजम के लिए सीतापुर जेल पहले भी आजम खान सीतापुर जेल में बंद रह चुके हैं और अब फिर से एक बार आजम खान सीतापुर जेल में बंद होंगे। 18 अक्टूबर के बाद पहली बार आजम खान ने आज सुबह जेल के बाहर का सूरज देखा था, लेकिन सूर्य अस्त फिर से उनका जेल के अंदर होगा, यानी सीतापुर जिला कारागार के फिर मेहमान बनेंगे आजम खान। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।